नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एंगुलर 4 की एप्लीकेशन को आप डीबग कर सकते हैं, आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द क्रोम। ओके, तो इसके कौन कौन से तरीके होते हैं वो अपन सबसे पहले देखते हैं। तीन तरीके हैं इसे इंप्लीमेंट करने के। या तो आप एनजी प्रोब का यूज करके आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर क्रोम डेवलपर टूल का यूज कर सकते हैं, या फिर ऑगरी क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इन तीनों को एक बार वन बाई वन हम लोग देखते हैं। तो इस काम को समझने के लिए या फिर डीबगिंग को देखने के लिए मैंने एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। इस एप्लीकेशन के अंदर जो मेरा कंपोनेंट है वो s6component.ts। इसके अलावा भी और भी कंपोनेंट है जो मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बना चुका हूँ। तो इस 6 कंपोनेंट के अंदर आप देखें कि यहाँ पर एक सिंपल सा कोड है कि मैंने एक बटन लिया हुआ है, एक पैराग्राफ लिया हुआ है, और बटन के यूज़र जब क्लिक करता है तो हम एक इवेंट कॉल कर रहे हैं, क्लिक इवेंट। और क्लिक इवेंट करके आ रहा है कि जो काउंट वेरिएबल है जो आपने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, जीरो से स्टार्ट किया हुआ है, उसका इंक्रीमेंट कर रहा है, प्री इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा कोड है। तो चलिए ऐसे प्रैक्टिकली से देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। यानी कि आप कॉल के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, आप देखें आपका आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। तो अब मैं इसे डीबग करके देखता हूँ। F12 दबाता हूँ। F12 दबाने पर ये मेरा क्रोम डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। इस डेवलपर टूल के अंदर सबसे पहली जो टेक्निक है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो है आपकी एनजी प्रोब का यूज करके। तो एनजी प्रोब के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी आपका एलिमेंट है आप उसे पिक कीजिए। ये मैंने एलिमेंट पिक कर लिया। अब आप क्या करें, यहाँ से जाएं कंसोल के ऊपर और यहाँ जाके आप कमांड लिखें ng.prob। ओके, ng.prob और $0 ये आपने पास किया, यानी फर्स्ट एक ही एलिमेंट को आप देखना चाहते हैं। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको सारी डिटेल्स इसकी एलिमेंट की मिल जाएंगी। आप यहाँ देखें कि कौन सी ये क्लासेस यूज में ले रहा है, ठीक है ना, कौन सी, जैसे ऑब्जेक्ट क्लास का यूज़ कर रहा है तो ये पूरी आपको यहाँ प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। इंजेक्टर नेम, इसका पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम क्या है जिसमें वैल्यू आ रही है, वो पैराग्राफ है आपका, ये लिसनर वगैरह, और मतलब जितनी भी इसकी वैल्यूज हैं, कोई अगर स्टाइल वगैरह भी अप्लाई की हुई है आपने तो वो स्टाइल वगैरह भी यहाँ आपके सामने आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि आप पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को जाके देख सकते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी रेफरेंसेज वगैरह हैं या फिर जो आपके कंपोनेंट्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं या फिर जो भी कोड इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है, एक तो आप ये सब चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया। ये तो एक बहुत ट्रेडिशनल वे है, यानी कि जनरली हम इसे यूज में नहीं लेते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप ये काम किस तरीके से कर सकते हैं। आपको इसके लिए करना क्या है, आप सोर्सेज पे जाइए। सोर्सेज पे जाने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप इस विंडो को देखें तो इसके अंदर कुछ पैकेजेस आ रहे हैं आपके। ओके, इसमें आपको वेब पैक पे जाना है। वेब पैक पे जाने के बाद आप इस नोड को ओपन कीजिए। ओके, नॉट दिस वन, आप लास्ट वन जो आ रही है नोड, ये वाली जो नोड है आपकी, ठीक है, जो एम्प्टी है, आप इस नोड को ओपन कीजिए। यहाँ सोर्स में जाइए, सोर्स में जाने के बाद ऐप में जाइए, और ऐप में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपको 6component.ts फाइल यहाँ मिल जाएगी। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें ये कोड आपके सामने आ रहा है। इस कोड के अंदर ये मैंने डीबगिंग पॉइंट पहले से बनाए हुए हैं, यानी कि अगर आप यहाँ बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करते जाइए तो आपके ये डीबगिंग पॉइंट बन जाते हैं। और ये ब्रेक पॉइंट भी दिखा रहा है किस लोकेशन पे आपके ब्रेक पॉइंट बन रहे हैं। आपको करना क्या है, अपने पेज को रीलोड करना है। आप रीलोड कर लेंगे, रीलोड करने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल पे जा सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करके भी ये आगे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आप क्लिक करते हैं आप, तो आप देखें अब वो करना क्या है, सबसे पहले एक बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये आपको वैल्यू को दिखा रहा है कि काउंट की अभी करंट वैल्यू क्या है। जैसे आप देख रहे हैं काउंट को मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया है, प्री इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और ये वन वैल्यू आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें काउंट की वैल्यू को ये क्या शो कर रहा है, वन, और फिर आपने इसे इंक्रीमेंट किया तो ये वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट हो गई। तो एक तो तरीका ये हो गया जिसका यूज करके आप बहुत इजीली ये काम कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये काम आपको कैसे करना है। आपको सोर्सेज पे जाना है, सोर्सेज पे जाने के बाद वेब पैक पे जाना है। वेब पैक पे जाने के बाद जहाँ ये एम्प्टी और ऑरेंज कलर का फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, अब इस पर जाइए, ऐप पर जाइए। ऐप पर जाने के बाद जो भी आपका कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के कोड को ओपन कर लीजिए और यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दीजिए। पेज को रीलोड करेंगे दोबारा से ये रीलोड हो जाएगा और ये आपको इम्प्लीमेंटेशन करके यहाँ बता देगा। मैं इनको तो यहाँ से अभी हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब देखिए तीसरा जो तरीका है आपका, जिससे आप ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं, वो आपको और मैं आपको बताता हूँ यूजिंग द augury। augury क्या है, एक क्रोम एक्सटेंशन होता है। आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम एक्सटेंशन। तो ये आपके सामने आ रहा है, ये बहुत एक पॉपुलर, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक एक्सटेंशन है। आप डायरेक्टली इसे एडिट टू क्रोम करेंगे तो ये आपके ऐड हो जाएगा। ये आपके काम को और भी ज़्यादा इजी बना देगा। वो कैसे बनाएगा वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, ये आइकन जो है ये augury आइकन को शो करता है, तो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखें आपके सामने कुछ, जैसे ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मेरे पहले भी कुछ एक्सटेंशन या एडेड हैं, तो एंगुलर जीएस को भी दिखा रहा है। मैं यहाँ augury को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं augury को सेलेक्ट करूँगा तो आप देखें
यहाँ ये कंपोनेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं अगर सिक्स कंपोनेंट देखना चाहता हूँ तो सिक्स कंपोनेंट मैंने यहाँ देख लिया। काउंट की अभी करंट वैल्यू क्या है ये आपको यहाँ पर क्लियरली शो कर रहा है। तो यहाँ एक आप स्टेट देख रहे हैं कि स्टेट क्या है, अभी कोई भी वेरिएबल आपने सेलेक्ट किया हुआ है और उसकी अभी करंट क्या स्टेटस है या स्टेट है उसकी, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इवन ये इंजेक्टर ग्राफ को भी आपको यहाँ शो कर देता है। इंजेक्टर ग्राफ का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो डोमेन आपका वर्क कर रहा है या पर्टिकुलर कंपोनेंट वर्क कर रहा है वो उसका क्या ग्राफ है, यानी कि कैसे कैसे चीज़ें इंजेक्ट हो रही हैं, यानी कि ये मेन डॉट टी एस फाइल है, ये रूट कहलाएगा आपका, फिर ये एफ कंपोनेंट को कॉल कर रहा है और एफ कंपोनेंट से सिक्स कंपोनेंट आपका कॉल कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम देखेंगे आगे चल के हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वहाँ जाके हम देखेंगे किस तरीके से अपन डीबगिंग को और इजिली प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हम डीबगिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा एक मेहनत करने के लिए कह सकते हैं कि आप एक मेरे फ्यूल आप मुझे देते हो जिसकी वजह से मैं और वीडियोस बना पाता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।